प्रेगनेंसी में भाभी मायके नहीं जाएगी। हे भगवान, अचानक से मेरा जी क्यों घबराए जा रहा है? कल रात से ही बेचैनी हो रही है। अरे बहू, तेरे पापा जी की थाली खाली हो गई है, जल्दी से रोटी लेकर आ। आई माँ जी, बस बन गई। हे प्रभु, अब तो मेरा धीरे धीरे सिर भी घूम रहा है। अचानक तबीयत कैसे खराब हो रही है। शिल्पा ससुर को रोटी देती है, इतने में बेहोश हो जाती है। भाभी भाभी, माँ भाभी बेहोश हो गई हैं। ये भगवान, बहू को क्या हो गया? अरे अरे, कोई डॉक्टर को बुलाओ। मैं बुलाती हूँ मम्मी। पापा आप लोग चिंता मत कीजिए। रश्मि जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है, जहाँ डॉक्टर शिल्पा का चेकअप कर सबको खुशखबरी देता है। अरे आप सबके चेहरे पर 12 क्यों बज गए? ढोल नगाड़े बजाइए, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। आप दादा दादी बनने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे में चक्कर आना आम बात है। सच्ची? अरे वाह, बल्ले बल्ले, मैं तो दादी बनने वाली हूँ और केशव जी आप दादा। हाँ अंजना, मैं तो उसे कंधे पर बिठाऊंगा। अरे मुझे तो कोई बधाई दो, मैं बुआ बनने वाली हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे बच्चे की बुआ बनूंगी, काले या गोरे, क्योंकि मेरी भाभी तो काली हैं। होश में आते ही शिल्पा अपने नंद की ये बात सुन लेती है। अरे बहू, तूने मुझे जितनी बड़ी खुशखबरी दी है ना, सच में नजर उतार लू मैं तेरी। अरे बहू, तू माँ बनने वाली और नैतिक पापा। सच माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं माँ को भी ये खुशखबरी बताना चाहती हूँ। भाभी इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कुछ खा पी लो, फिर बता देना आराम से कौन सा आपकी मम्मी भागे जा रही है और माँ रही नजर लगने की बात। तो चिंता मत करो, हमारी भाभी इतनी काली है कि नजर तो इन्हें दूर से देखकर उन्हें टाटा बाय बाय कर देगी। रश्मि, ये तू कैसी बातें कर रही है, ऐसे नहीं बोलते। सॉरी सॉरी, मैं जूस लेकर आती हूँ भाभी के लिए। रश्मि जूस लेकर आती है। वैसे तो शिल्पा उनके लिए रंग रूप में काली बहू थी, लेकिन वह दिल और स्वभाव से इतनी अच्छी थी कि घर वाले भी उसके रंग रूप को नजरअंदाज रखते थे। लेकिन फिर भी इसकी ननद रश्मि कभी कभी उसके रंग रूप को लेकर ताने दे दिया करती थी। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, घर के सभी लोग प्रेग्नेंट काली बहू का ख्याल रखते हैं। शिल्पा को तीसरा महीना लग जाता है, नैतिक अपने होने वाले बच्चे के लिए खिलौने लेकर आता है। माँ पापा, शिल्पा रश्मि, देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये सब अभी से? हाँ अभी से, अभी से ही बच्चे की तैयारी होनी चाहिए ना, ताकि होने के बाद उसके पास सब कुछ हो। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे ने। अरे रश्मि कहाँ रह गई, बहू का फल खाने का टाइम हो गया, जा लेकर आ। लाई माँ, रश्मि भाभी के लिए फल काट कर ले आती है। लो भाभी खाओ, ये केला और बाद में बादाम खाना, इससे बच्चे बहुत गोरे गोरे पैदा होते हैं। जब देखो हमेशा दीदी मुझे यही बात क्यों बोलती रहती है, काली हूं तो क्या हुआ, इसमें बच्चे को क्या दोष? बस बहुत हो गया, अब मैं अपने मायके में रहकर अपने बच्चों की देखभाल करना चाहती हूँ, वरना नंद जी तो मुझे यही बोलती रहेंगी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोल बहू। माँ जी, मैं काफी वक्त से माँ के पास नहीं गई, ना उनसे मिली। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। माँ मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगी, आप भी रखते हो, पर मैं थोड़ा वहां रहना चाहती हूँ। बहू अभी तेरा सिर्फ तीसरा महीना चल रहा है और ये बहुत ख्याल रखने वाला महीना है, तो कुछ महीनों बाद चले जाना, ठीक है? ठीक है माँ जी। शिल्पा अपना फ्रूट्स वगैरह खा लेती है, ऐसे ही सब लोग उसका घर में बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन पड़ोसी भी उसे देख काले बच्चे के पैदा होने की बात करने लगते हैं, जिस वजह से फिर उसका यहाँ रहने का मन नहीं करता। पांचवा महीना लग जाता है। एक दिन केशव कहता है, अरे बहू को पालक वगैरह खिलाओ, आज खाने में पालक पनीर ही बना दो। अंजना, घर में पालक तो है ना? आजी नहीं रश्मि बेटा, जरा बाजार से पालक पनीर गुड़ और मेवे खरीद के लिया। मेवे भी खत्म हो रहे, बहू के लिए लड्डू बना दूंगी मैं, बहुत फायदा करते हैं गर्भवती के समय में। अरे हाँ, ये बहुत बढ़िया बात की तुमने। ठीक है पापा, आप पैसे दे दो मुझे, मैं लेकर आती हूँ सामान। रश्मि पैसे लेकर बाजार सामान लेने चली जाती है, जहाँ उसकी टक्कर बूढ़ी सुधा से होती है। अरे माँ जी, आप कैसी हैं? आप बहुत याद करती है वो आपको। अरे बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं, क्या बताऊँ, मेरा बहुत दिल करता है उससे मिलने का, पर चाह कर भी नहीं मिल सकती। घर के हालात बहुत खराब है, कैसी माँ हूँ मैं, इस समय में भी उसका ख्याल नहीं रख सकती। रणवीर की नौकरी चली गई है, वरना बेटा मैं उसे। माँ जी शांत हो जाइए, आप फिक्र मत कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, सबका ख्याल रखना। ये कहकर वो बूढ़ी औरत चली जाती है। ना जाने कौन वो बूढ़ी औरत थी जिसे रश्मि सहारा दे रही थी। घर आते ही नंद अपनी भाभी के लिए पालक पनीर बना देती है और एक तरफ सास मेवे से भरा गोंद का लड्डू बनाती है। फिर से शिल्पा अपने मायके जाने के लिए बहुत बेताब होती है और सास के पास बैठ जाती है। माँ जी, अब तो मेरा पांचवा महीना भी शुरू हो गया,
तो अब मैं माँ के पास जा सकती हूँ। ऐसे समय में मायके रहना भी जरूरी होता है। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक बोला तूने, तो चली जा। नहीं माँ, प्रेगनेंसी में भाभी मायके नहीं जाएंगी, भाभी यहीं रहेंगी। पर क्यों नहीं जाएगी तेरी भाभी मायके? कितना समय हो गया उसको, अब तो जाने देना चाहिए, बहन जी भी कब से नहीं मिली हैं। हाँ दीदी, जाने दीजिए ना, वहां भी मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, और माँ को तो आप जानती ही हैं। हाँ जानती हूँ कि वहां आपका कितना अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। आपका मतलब क्या है भाभी, कि आपके ससुराल वाले प्रेगनेंसी में आपका ख्याल नहीं रख सकते? नहीं दीदी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन अब मैं मायके जाना चाहती हूँ, प्लीज जाने दीजिए। नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं रहिए। वैसे भी आपके लिए आज पालक की सब्जी बनी है और माँ लड्डू बना रही हैं। रश्मि रसोई में खाना बनाने चली जाती है और शिल्पा भी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। हद हो गई है, मैं कब से माँ से मिलना चाहती हूँ, लेकिन कोई मुझे जाने ही नहीं दे रहा। इसलिए बोल रही होंगी नंद जी कि कहीं वहां जाकर मेरा काला बच्चा ना हो जाए। क्या मेरी माँ मेरा ख्याल नहीं रख सकती? बहू तू रो मत, ऐसी कोई बात नहीं है, रश्मि से बात करके उसे समझाऊंगा। आराम कर और ये लड्डू खाकर बता, इतना मीठा ठीक है ना तेरे लिए? जी पापा जी, इतना सही है पापा जी। क्या मैं काली हूँ इसीलिए दीदी मुझे ऐसे बोल रही है? नहीं नहीं बेटा, इतना दिल पर मत लगा ऐसी बातों को, तू बहुत अच्छी है, हम सब तुझे ऐसे ही स्वीकार कर चुके हैं, और ऐसी हालत में ऐसी बात मत सोच, आराम कर। ये कहते ही केशव चला जाता है और शिल्पा आराम करती है। सब लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जितनी बार शिल्पा मायके जाने की बात करती उतनी बार रश्मि उसे मना कर देती। बहू का 8वां महीना चल रहा था और उसके पेट में थोड़ा बहुत दर्द बढ़ गया था। रात को वो अपने पति से कहती है, नैतिक जी मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं यहाँ पर अब और नहीं रह सकती, मैं माँ के पास रहूंगी तो बिल्कुल ठीक रहूंगी, आप मुझे माँ के पास ले चलिए ना, किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है, आप तो मेरी बात सुन लीजिए, 8 महीने हो गए और कितना रुकूं मैं तुम्हें ले जाता शिल्पा, लेकिन अभी रात के 11 बज रहे हैं, मैं तुम्हें वहां कैसे लेकर जा सकता हूँ? सब सो रहे होंगे, परेशान हो जाएंगे, तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो बताओ, तुम्हारे डॉक्टर को फोन कर देता हूँ। नहीं मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, नैतिक मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शिल्पा ये तुमने क्या जिद लगा रखी है, ऐसे समय में बच्चा भी परेशान हो जाएगा, प्लीज ऐसा मत करो, मैं कल सुबह लेकर चलूंगा तुम्हें। नहीं नैतिक, तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे हो, तो मैं खुद जा रही हूँ। मेरा बच्चा बेटा, तुम परेशान मत हो ना, हम नानी के पास जाएंगे अब। नैतिक उसे रोकने की कोशिश करता है, शिल्पा दरवाजे तक पहुंच जाती है, घर के सब लोग शोर सुनकर आ जाते हैं। शिल्पा जैसे ही दरवाजा खोलती तो रश्मि सामने आ जाती है। भाभी आप ये क्या कर रहे हो, आपको अपनी और बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? दीदी मुझे तो है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। आपको मुझसे प्रॉब्लम है कि मैं काली हूँ, मेरे मायके वाले मेरा ख्याल नहीं रख पाएंगे, उनका परछावा पड़ेगा मेरे बच्चे पर, इसलिए आप मुझे मायके नहीं जाने देना चाहती है ना? भाभी आपको जो समझना समझनी है, लेकिन मैं प्रेगनेंसी में आपको आपके मायके नहीं जाने दूंगी, देखती हूँ कैसे आप इस दरवाजे को पार करेंगी। रश्मि हद हो गई है, तुझे बहू की हालत नहीं दिखाई दे रही है क्या, क्या कर रही है तू? माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास बहुत बड़ा कारण है, इसलिए मैं भाभी को प्रेगनेंसी में मायके नहीं जाने दे रही थी। भाभी एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ बैठ जाइए। रश्मि अपनी भाभी को कुर्सी पर बैठाती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है, भाभी आपको इस वक्त मैं गलत लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको जानबूझकर मायके नहीं जाने दे रही, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ महीने पहले जब मैं बाहर मार्केट गई थी तो उस दिन मैं आपकी मम्मी से मिली, वो बहुत परेशान थी, भैया की नौकरी छूट गई थी, इतनी परेशान थी कि 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया, और ऐसे में आप वहाँ चली जाती तो माँ जी का दिल और दुख जाता कि मैं अपनी बेटी की प्रेगनेंसी में भी ख्याल नहीं रख पा रही, इसलिए बस आपको रोक कर रखा था कि आपका यहाँ पर ख्याल रखा जाए। इनफैक्ट मैंने आप उन्हें बोला कि आपसे मिल लें, लेकिन वो उन्होंने कहा बाद में जब हालात बेहतर हो जाएंगे तब मिलेंगी। इतना सब हो गया और आपने मुझे बताया नहीं, मुझे पता है आपने इसीलिए नहीं बताया, वरना मैं सोचकर परेशान होती, मैंने आपको कितना गलत समझा दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, अब तो तू समझ गई ना, वो तेरे लिए बुरा नहीं सोच रही थी, नैतिक बेटा तू प्लीज उनकी मदद कर। हाँ माँ। असली वजह को जानकर शिल्पा थोड़ा शांत हो जाती है और नैतिक अपने ससुराल वालों की पैसे को लेकर मदद करता है। कुछ हफ्तों बाद शिल्पा उसके बेटे को जन्म देती है और आखिरकार दोनों माँ बेटी एक साथ मायके में अपना वक्त गुजारती हैं, फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।